जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिले स्पाइस बॉक्स में। अभी तो विंटर का सीजन चला है और मार्केट में ढेरों मटर है, और ढेरों मटर घर पे भी दिखने को मिलता है। हर रेसिपी में मटर दिखता है, तो यही मटर विंटर के बाद पूरा गायब हो जाता है। लेकिन हमें मार्केट से जाके फ्रोजन मटर खरीदना पड़ता है, तो यही फ्रोजन मटर हम घर पे कैसे आसानी से बना सकते हैं और कैसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, आज वही रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 किलो मटर लिया था, जिसको मैं छिलने के बाद मेरा बस 1.5 किलो या 1.2 kg करीबन ये बच गया है। तो ये जो मटर के दाने हैं उसके उसको फ्रोजन करने के लिए मैं उसके साथ लूँगी 1 बड़ा चम्मच नमक, और उसके साथ लूँगी 1 बड़ा चम्मच चीनी, और इसको उबालने के लिए 2 लीटर पानी लूँगी, जिसको मैंने भगोने में गैस पे चढ़ा दिया था हाई फ्लेम पे। तो इसमें उबाल आना शुरू हो रहा है, तो इस पे जब पानी अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने नमक और चीनी डाल दिया। अभी जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए, मतलब नमक और चीनी घुल जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये मटर के दाने डाल देंगे। और मटर के दाने डाल के 3 से 4 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि मटर का टेम्परेचर ठंडा है और पानी गर्म है, लेकिन फिर भी मटर मतलब पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसीलिए आप उबाल आने तक वेट मत कीजिए। इसको 3 से 4 मिनट ऐसे गर्म मतलब हाई फ्लेम पे रखने के बाद इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, लेकिन बीच बीच में हम इसको ऐसे नीचे से ऊपर तक चलाते हुए एक बार स्पैटुला से चलाएंगे, क्योंकि वरना क्या होगा, नीचे वाला मटर ज़्यादा पक जाएगा। उसीलिए आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं बीच बीच में उसको ऐसे ऊपर से नीचे कर रही हूँ। बस अभी जब हमने फ्लेम ऑफ कर देंगे 3-4 मिनट, 5 मिनट उसको ऐसे ही गर्म पानी में रहने देंगे। और एक जो ऐसे चौड़े वाले बर्तन पे मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर ठंडा पानी लिया है। अगर ठंडा पानी ना हो तो आप नॉर्मल पानी में आइस क्यूब डाल सकते हो। अभी आप देख सकते हैं कि मैं कैसे गर्म पानी से मटर छान के इसी ठंडे पानी में डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, जो मटर की जो कुकिंग है वो रुक जाएगी, ठंडे पानी में डालते ही वो रुक जाएगा। और अभी इसको हम डालने के बाद इसको भी हम नीचे से ऊपर ऐसे चला देंगे, क्योंकि नीचे का मटर ठंडा है और ऊपर का मटर ऐसे ही गर्म है। तो उसीलिए इसको एक बार ऐसे चला के उसको भी 5 मिनट हम ये ठंडे पानी में रहने देंगे। तो 5 मिनट बाद हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ऐसे परात लेंगे या प्लेट लेंगे, आपके पास जो भी है, और उस पे या फिर आप ऐसे कपड़ा बिछा दीजिए, कपड़ा लेकिन कॉटन क्लॉथ हो तो बहुत ही अच्छा है, सूती का कपड़ा। और उसके ऊपर ये ठंडे पानी से मटर छान के हम ऐसे ही इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे, जैसे हम गर्म पानी से छाने थे वैसे ही स्प्रेड कर देंगे। ऐसे डाल के हम हाथ से धीरे धीरे ऐसे इसको चारों ओर ऐसे फैला देंगे। और फैलाने के बाद देखिए मैं कैसे फैला रही हूँ, फैलाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इस एक कपड़े से मतलब वही जो कॉटन क्लॉथ है उससे ऐसे ढक के ऊपर से ऐसे दबाते हुए दबा देंगे। मतलब ऐसे दबाने से क्या होगा, जो ऊपर के मटर में जो पानी है वो ऊपर का कपड़ा सोख कर लेगा और नीचे का जो लेयर है उसको नीचे का कपड़ा सोख कर लेगा। अभी इसको ऐसे करने के बाद हम ऐसे खुले में ना 1 घंटे के लिए फैन के नीचे रख देंगे। बीच बीच में ऐसे उसको चलाते रहेंगे हाथ से, जिससे क्या होगा उसका पानी पूरा सूख जाएगा और मटर हमारे पूरे दाने दाने अलग हो जाएंगे। अभी देखिए 1 घंटे बाद मटर में और पानी ज़्यादा पानी है नहीं, आप चाहें तो 2-3 घंटा ऐसे फैन के नीचे रख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको जिप पाउच में भर रही हूँ। आपको ये वाले जिप पाउच तो मार्केट में आराम से मिल जाएगा, या फिर आजकल फूड ग्रेड प्लास्टिक के बहुत सारे ब्रांडेड के मतलब जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं वो भी मार्केट में मिल रहे हैं, तो आप उसमें भी आप डीप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप ऐसे इसको स्टोर करने के बाद जब भी आप मटर यूज करने के लिए निकालें, तो आप निकालने के बाद तुरंत उसको फिर से डीप फ्रीजर में रख दें। और कभी भी आप कभी बाहर जा रहे हैं कि या कहीं जा रहे हैं तो फ्रीज को बंद मत कीजिए, उससे मटर की स्टोरेज में थोड़ी सी वो मतलब दिक्कत आ सकती है उसीलिए। और आप हमेशा इसको डीप फ्रीजर में ही स्टोर कीजिए, और ऐसे में आप इसको 6 से 8 महीने तक आप स्टोर कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी सारे कंटेनर में भर दिया, एक प्लास्टिक कंटेनर में भी भरी हूँ और 2 तरह के जिप पाउच में भी भरी हूँ। तो आपको ये फ्रोजन ग्रीन पीस का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए दूसरे मटर की रेसिपी देखने के लिए। थैंक यू।